हाय, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। आज का वीडियो गुलदाउदी के ऊपर है। आज हम बात करेंगे कि गुलदाउदी के प्लांट्स को आप कैसे नेक्स्ट सीजन के लिए बचाएं, और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी गुलदाउदी से रिलेटेड। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैंने अपने गुलदाउदी की हार्ट प्रूनिंग करी है, तो ये सारी चीज़ें बताऊँगी, कब करनी है, कैसे करनी है और कितना करना है। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माई गार्डन या माई प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मदर प्लांट को नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे बचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलदाउदी को क्रिसांथेमम भी बोलते हैं, और जैसे कि गुलाब का फूल फेमस होता है लोगों के बीच में, वैसे ही गुलदाउदी का भी। ये सर्दियों में लगाया जाता है। आप इसको कटिंग और सीड्स के थ्रू लगा सकते हैं या सकर्स के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब, कैसे, कितना मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे जैसे फरवरी का महीना शुरू होने वाला होता है, वैसे वैसे हमारे गुलदाउदी ख़त्म होती रहती है। चलिए वीडियो का मेन पार्ट शुरू करते हैं कि इन गुलदाउदी को हम नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे बचाएं। इसके लिए आपको चाहिए एक कटर और एक सीजर, दोनों शार्प होना ज़रूरी है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला तरीका है कि आप इन प्लांट्स की हार्ट प्रूनिंग कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम सिर्फ एक प्लांट जो मदर प्लांट है वो बचाएंगे और बाकी सारे प्लांट्स डिस्कार्ड कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि जुलाई में हम अपने मदर प्लांट से ही तो कटिंग्स बनाएंगे, तो बाकी के सारे गमलों को मैं क्यों भर के रखूँ। फर्स्ट पॉइंट, हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग में हमको मेन स्टेम को कट कर देना है, यानी जो ओरिजिनल स्टेम होती है, और कुछ नए सकर्स उग रहे होंगे मेन स्टेम के बगल में, उनको बस छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, अगर आप सीड से ग्रो करते हैं क्रिसांथेमम गुलदाउदी को, तो इनके फूलों जो ड्राई हो चुके हैं वो बचा के रखें, क्योंकि वही तो सीड्स होते हैं, आप इन्हीं से जुलाई में इनको ग्रो कर सकते हैं। मैं अपने गार्डन के सिर्फ 3 से 4 पौधों को ही बचाती हूँ जो मदर प्लांट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, बाकी मैं जुलाई में इन सारी प्लांट्स की कटिंग्स बनाती हूँ। तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि अपने मदर प्लांट और सकर को कैसे बचा सके नेक्स्ट सीजन के लिए। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें जो मेन या ओरिजिनल स्टेम होती है उसको कट कर देना है हार्ड प्रूनिंग के थ्रू। जैसे ये मेरा मदर प्लांट है, ये पिंक गुलदाउदी है, और इसको मुझे नेक्स्ट सीजन के लिए बचाना है, तो मैं इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो मैं सारी ब्रांचेस कट कर दूंगी हार्ड प्रूनिंग के लिए, और सिर्फ मिट्टी से लेके ऊपर तक 1 इंच तक के जो पौधे होंगे छोटे छोटे या स्टेम्स होंगी, मैं बस उनको ही छोड़ूंगी इस पौधे में, बाकी सब मैं कट कर दूंगी। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको अच्छे से ट्रिम कर दीजिए। इसको हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं। चाहे आपके सकर्स हों या मेन प्लांट हो, उनको इसी तरीके से आपको ट्रिम करना है, और इनको हम सेव करके रखेंगे बारिश से, तेज धूप से। तो इस पॉट को हम कहाँ रखेंगे, शेडेड वाले एरिया में रखेंगे जुलाई तक। उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे और इसकी कटिंग्स बनाएंगे। फरवरी से लेकर जून या जुलाई तक हमें अपने पौधों को शेडेड एरिया में रखना है और हार्श रेन वाटर से बचाना है। पानी हमें तभी देना है जब इनकी मिट्टी सूख जाए, और फर्टिलाइज़र इतने महीनों के बीच में कभी नहीं देना है। जब हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे जून या जुलाई में, तब हम 80% गार्डन सॉइल लेंगे और 10% वर्मी कंपोस्ट, 10% काउडंग कंपोस्ट, बस इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालिएगा। और देखिए, मैंने आज इतनी हार्ड प्रूनिंग करी है अपने क्रिसांथेमम की, आपने करी कि नहीं? अगर नहीं करिए तो आज ही लग जाइए। तो यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है, और ये है मेरे हार्ड प्रूनिंग का रिज़ल्ट। अगर आप अपनी गुलदाउदी को सीड से ग्रो करते हैं, तो इनके फ्लावर्स बचा के रखिएगा, फ्लावर्स में ही सीड्स होती हैं। गुलदाउदी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ डाले हैं, तो देखिएगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।